हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को राधे राधे। आज है 13 अप्रैल और 13 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं। स्टार आईक्यू चैनल पे अगर पहली बार आपका आगमन हुआ है तो आप लोगों का स्वागत है और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को शेयर भी करिएगा और के अलावा वीडियो को लाइक भी करिएगा। इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पे ही मिल जाएगा। स्टार आईक्यू के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, सर्च कीजिएगा, वहां पे आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल मिलेगा। दोस्तों, आप लोगों को जो है ना अनअकैडमी पे मुझसे पढ़ना है तो आप अनअकैडमी एप्लीकेशन पे जाइएगा और सुनील कुमार सर्च कीजिएगा तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा और आप लोग मुझे वहां पे फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग जो है अनअकैडमी पे मेरा रेफरल कोड STAR स्टार IQ इस कोड का यूज करिएगा जिससे आप लोगों को इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, आने वाले 24 अप्रैल 2022 को अनअकैडमी पे अल्ट्रा कॉम्पैक्ट होने वाला है जो कि बैंक और SSC एग्जाम के लिए बहुत वैल्यूबल है, तो आप लोग इस अल्ट्रा कॉम्पैक्ट का पार्ट भी जरूर बनिएगा, एनरोल करिएगा इसे। आज का पहला सवाल जो कि बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया जाएगा? तो इस सवाल का सही आंसर रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सर, इस बात का मतलब क्या है? आप लोगों को अभी रिसेंटली आपने जो है ना सुर कोकिला भारतीय या जो यूं कहिएगा भारत रत्न पुरस्कार जिनको मिला था, जिनका नाम था लता मंगेशकर, इनका देहांत हुआ था। तो भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर जी की याद में ही उनके पूरे परिवार ने ना अभी रिसेंटली मीटिंग की थी। उनकी ये पूरी फैमिली है, उन्होंने मीटिंग की और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार शुरू करने का एक ऐलान किया है। लता मंगेशकर और उनके पिताजी का नाम था दीनानाथ मंगेशकर, इनकी याद में ये हर साल जो है ना 24 अप्रैल के दिन, जिस दिन पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं और 24 अप्रैल को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि है, इसी दिन ही जो है ये अवार्ड दिया जाएगा। अवार्ड मिलेगा किनको? सर, ये अवार्ड उनको मिलेगा जिन्होंने ये अपना पूरा जीवन जो है ना वो समाज के लिए लगा दिया है, पूरा जीवन निस्वार्थ भाव से जो है देश की सेवा के लिए लगा दिया हो, तो उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। और इस बार ये पहली बार ये अवार्ड दिया जा रहा है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है ना ये अवार्ड दिया जा रहा है स्पेशली। अच्छा, ये एक्चुअली अगर ये अवार्ड तो दिया जा रहा है, बात ठीक है, ये इस बार की जो है ना वो दीनानाथ जी की 80वां स्मृति दिवस है, मतलब उन्हें 80 साल हो चुके हैं और इस अवसर पर लता दीनानाथ मंगेशकर की स्थापना कर रही है ये पूरी जो है ना परिवार की टीम कहिएगा या परिवार वालों ने एक घोषणा की है एक साथ एक मीटिंग करके, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को बस बेसिक इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो 24 अप्रैल को मिलेगा, 80वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दिया जाएगा। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार का उद्देश्य बस इतना है कि मोटे तौर पे संगीत है, नाटक है, कला है, चिकित्सा है, सामाजिक कार्य है, ये एक मेन पॉइंट रखे हैं कि इसमें देश की सेवा के लिए जिसने अभूतपूर्व योगदान दिया हो उनको ये अवार्ड मिलेगा। एक स्लाइड आप देखिएगा कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है, मास्टर दीनानाथ पुरस्कार संगीत के लिए मिल रहा है इस बार राहुल देशपांडे को, मास्टर दीनानाथ पुरस्कार विशेष आशा पारेख को, मास्टर दीनानाथ पुरस्कार विशेष जैकी श्रॉफ को और मास्टर दीनानाथ पुरस्कार आनंदमयी मुंबई डब्बा वाला नूतन मुंबई टिफिन बॉक्स प्लायर चैरिटी ट्रस्ट को, ठीक है। तो इन शख्सियत को जो है ना इस बार सम्मानित किया जाएगा, जिसमें से मेन अवार्ड है ये जिसकी चर्चा रहेगी हर साल। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि अच्छे से याद रखना है आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला सवाल है कि भारत और किस देश ने 11 अप्रैल 2022 को वॉशिंगटन में, जो कि अमेरिका की राजधानी है, वहां पे 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया है? तो सवाल का सही आंसर जो रहेगा वो है जी अमेरिका, यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। भारत और अमेरिका ने अभी 11 अप्रैल को वॉशिंगटन के अंदर 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया है। इस वार्षिक बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री S. जयशंकर है, उन्होंने भाग लिया है। और इस संवाद में भारत तो अमेरिका के बीच में जो है ना एक वैश्विक रणनीति साझेदारी के विषयों पे चर्चा की गई है, लाइक जो आपका साइंस है या आपका डिफेंस सर्विस है, टेक्नोलॉजी है या हेल्थ है या क्लाइमेट चेंज है या COVID-19 जो एक प्रकार का पेंडेमिक था उससे कैसे उभरा जा सकता है, क्योंकि इसका एक्सी वेरियंट भी आ चुका है तो जो कि ज्यादा खतरनाक है थोड़ा सा माना जा रहा है ऐसा। ओमिक्रॉन के वेरियंट भी म्यूटेट हो रहे हैं धीरे धीरे। अमेरिका की बात करते हो तो अमेरिका का कैपिटल Washington DC है और एक बात और है कि इसके राष्ट्रपति का नाम क्या है? जो बाइडेन है। करेंसी है यूनाइटेड स्टेट डॉलर।
कोई मुझे कमेंट में बताएगा 49 पैरेलल जो है ना किन देशों के बीच की लाइन है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये हर साल कब मनाते हैं? ये हर साल 12 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत इजी है और बहुत फेमस सवाल भी है। इस दिन एक्चुअली हुआ क्या था, 1961 की बात है, तब यूरी गागरिन नाम के एक व्यक्ति है, उन्होंने जो है ना वो अंतरिक्ष की यात्रा की थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया क्या, साल 2011 में 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा कर दी। सर इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होते हैं ना SDG जो होते हैं उनके लक्ष्यों को प्राप्त करना, उसमें अंतरिक्ष के योगदान को जो है ना वो दिखाना ही इसका सीधा सीधा उद्देश्य है या इसका लक्ष्य है। अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने 7 अप्रैल 2022 को एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है, मतलब न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो लॉन्च किया है वो किया है चाइना ने। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। चाइना ने 7 अप्रैल को यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे वाले दिन ही जो है ना एक नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये सैटेलाइट क्या है कि देश मतलब जो आपका पूरा चाइना देश है इसकी जमीन, इसकी समुद्र या इसके जो आपका और बहुत सारे कंप्लीट हिस्से हैं जैसे फॉरेस्ट वाला है उसको कंप्लीट जो है ना उसकी निगरानी करेगा या उसको देखने का काम करेगा। इस सैटेलाइट का नाम एक्चुअली इन्होंने दिया है गाओ, ठीक है ना, गाओ फेन ये नाम दिया है, गाओ फेन 303 ऐसे करके इसका कोई नाम दिया है इन्होंने, ठीक है। और जो नया सैटेलाइट है आपका इसको बेसिकली गाओ फेन 3 था उसको और एक ये 3 तो हो ही गया, एक गाओ फेन 302 ऑलरेडी था इनका, उसके साथ में कनेक्ट करेंगे ये और ये 2-3 सैटेलाइट ऐसे लिंक बना के करेंगे क्या ये कि सिंथेटिक अपर्चर रडार का काम करके और जो आपकी ज़मीन है उसकी एक सटीक इमेज लेने का काम करेंगे ये, ठीक है। और इसका बस मेन तो काम इतना ही है, इसका मतलब समझिएगा यूज़ तो इतना ही होगा कि अर्थ ऑब्जर्वेशन का काम करेगा जो कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बहुत यूज़फुल होगा। अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कितने नए स्थलों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। टोटल 5 जो है ना वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए मतलब 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है भारत सरकार ने भविष्य के अंदर इन फ्यूचर के लिए। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। सरकार ने 10 स्वदेशी रूप से निर्मित 700 मेगावाट के निर्माण के लिए वित्तीय मंजूरी भी दी है जिन्हें फ्लीट मोड में रखा गया है फिलहाल के लिए, आने वाले टाइम में इन्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगला सवाल आपका है कि केंद्र सरकार ने दलाई लामा की केंद्रीय तिब्बती राहत समिति जिसको CTRC कहा करते हैं हम लोग, ठीक है ना, सेंट्रल तिब्बतेन रिलीफ कमेटी कहते हैं, इसको कितने करोड़ रुपए की सहायता अनुदान प्रदान करने का योजना का विस्तार कर वित्त वर्ष 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, 40 करोड़। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ठीक है। और यह योजना देश के 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में फैली तिब्बती बस्तियों में रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों के लिए है एक प्रकार की, जिससे जो है ना बेसिकली CTRC को 8 करोड़ का वार्षिक अनुदान जो है ना प्रदान किया जाता है इनके संरक्षण के लिए, इतना पैसा जो है ना भारत सरकार देती है बेसिकली। अगला सवाल है हमारा कि विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जिसको AIIB कहते हैं, ये UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, AIIB गुजरात सरकार ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया जो है ना प्रदान करेंगे। सवाल का सही आंसर रहेगा 7,500 करोड़, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ठीक है। वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक गुजरात सरकार की मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस परियोजना के लिए 7,500 करोड़ रुपए का ऋण देने वाले हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि गुजरात के अंदर जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी में थोड़ा जो ना सुधार आ सके। मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बस इतनी ही है कि आने वाले 5 सालों के अंदर 10,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी और राज्य के सभी 35,133 स्कूलों के अंदर जो है ना लगभग 6,000 के आसपास प्राप्त स्कूलों को कवर कर लेगी। कुछ तो मतलब सरकारी स्कूल है 35,000 के आसपास और लगभग 6,000 के आसपास प्राइवेट स्कूल है, तो यूं कहो कि स्कूलों के एजुकेशनल फील्ड को अच्छा करना काम है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, ये बीजिंग में हेडक्वार्टर है और 105 मेंबर इसके और ये न्यूली बना हुआ है, 16 जनवरी 2016 को जो है ना ये क्रिएट हुआ था।
अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? तो अभी हाल ही में भारत ने सफलतापूर्वक जो है इसका प्रशिक्षण किया है, राजस्थान के अंदर जो है ना पोकरण रेंज में दुनिया के सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में एक हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH से जो है ना इसे लॉन्च किया है, DRDO ने इसे बनाया है, ठीक है ना। हर मौसम में ये काम करेगी ये, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है इतनी सी। चलो जी, इसी के साथ में आपका ये वाला लेक्चर जो है ना वो समाप्त हो जाता है। हेलिना के कई सारी चीज़ें जिससे ये हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली है और मतलब कोई भी मौसम हो उसमें काम करेगी ये, ठीक है। चलो, कल मिलूंगा आपसे मैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना।